गाइस वेलकम टू स्टार्क एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। P और Q दो इंटीजर्स हैं, तो ऊपर वाला जो लिखा है P, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और Q को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे P और Q लिखना ज़रूरी नहीं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमने एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों रेशनल नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो P और Q एक दो इंटीजर्स हैं, और अगर दोस्तों डिनोमिनेटर यानी कि Q अगर ज़ीरो से नॉट इक्वल होगा तो ही वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर Q ज़ीरो होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो दोस्तों चलिए एक इजी सा सवाल लगाते हैं। -125/127, दोस्तों इसमें हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर मैंने आपको बताया था ऊपर वाला होता है, तो इसमें न्यूमरेटर होगा -125, नीचे वाले में 37 होगा। दोस्तों चलिए अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों इसमें हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो हम इसमें डिनोमिनेटर है 7/-15 में डिनोमिनेटर होगा -15, नीचे वाले में दोस्तों होगा 127। चलिए इसके बेस पर हम कुछ हार्ड क्वेश्चंस लगाते हैं। ये तो बहुत इजी थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए, अब इसके बेस पर कुछ हार्ड सवाल लगाते हैं। दोस्तों इसमें हमें रेशनल नंबर बताना है कि इन तीनों में से कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं है। तो माइनस, दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें तो -3 लिखा है, जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा था उसके नीचे 1 होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इफ नीचे वाला अगर 0 से इक्वल होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा, लेकिन ये 1 है, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम उसे रेशनल नंबर ना मानते। तो यहाँ पे 1 है तो ये रेशनल नंबर होगा। तो दोस्तों दूसरे पे चलते हैं। तो 8/0 है, तो ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है क्योंकि ये 0 ही है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और तीसरा 0/4, इसमें डिनोमिनेटर 4 है, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। भले ही न्यूमरेटर 0 या कोई भी हो सकता है न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो रेशनल नंबर्स में नहीं होगा। तो चलिए इसके बेस पर और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। दोस्तों चलिए अब हम एडिशन करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर में माइनस होगा तो हम उसे ऊपर की तरफ लेते चले जाएंगे। तो चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं। 7/5, 2/5, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर जिसको आप ऐड कर रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, वरना आपको उसे फिर से सेम करना पड़ेगा। चलिए इसे ऐड करते हैं। 7+2/5 9/5 आंसर आ गया है। अब चलिए दूसरे में चलते हैं। आपको मैंने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस होगा तो हमें उससे ऊपर ले जाना है। हम डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है -1/-1, तो -4/15 हो जाएगा। और दोस्तों -7 और -14 है, तो डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे। -7 -14 × -1 × -1, इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोई पूछेगा तो आपको ये करके दिखा सकते हैं आप उसे। तो ये 7/14 हो जाएगा। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। 4/15 जो -4 हो गया था, और 7/14, तो हमें इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो इसके लिए इसके एलसीएम निकालना पड़ेगा। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम होगा 210, तो हमें इन दोनों को 210 बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसे 210 बनाते हैं। 15, हमें इसमें 210 बनाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 210 आ जाए। दोस्तों हमें 15 में 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। तो दोस्तों इसमें हमें जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर से उतना ही ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया है 56/210। तो दोस्तों अब हम लोग
7 और 14 को लाते हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं इसके में, तो इसको इससे इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 210 आ जाए। 14 इंटू 15 करेंगे तो 210 आ जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही ऊपर भी होगा, तो 105 अपॉन 210। अब इसे हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइक हो गए हैं, तो 56 प्लस 105 अपॉन 210 इज इक्वल टू 161 अपॉन 210। तो दोस्तों इसका आंसर ये आएगा। अब चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और कुछ इसी रिलेटेड आपको अगर मुझसे वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट करें, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और हमारी बेल आइकन भी दबा दें, इससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।